सभी मित्रों, महानुभावों को नमस्कार। जोहार और लिंबू अदिंगबा अदिंगमा को असेवारो। मैं डॉक्टर शोभा लिंबू, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी कालिम्पोंग कॉलेज। सर्वप्रथम मैं गोंडवाना दर्शन परिवार के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगी, क्योंकि जिन्होंने मुझे आदर के साथ इस मंच में आप सबों से मिलने का एक सुअवसर प्रदान किया। और मैं विशेष रूप से उषा जी, नंदकिशोर नेताम जी, वड्डे जी और पूरे गोंडवाना परिवार के प्रति आभार प्रकट करना चाहती हूँ। गोंडवाना भाषा, साहित्य और संस्कृति से मैं पहले परिचित नहीं थी और गोंड परिवार से मिलने का भी मुझे अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। 2011 में मई महीने में नवी आदिवासी, अखिल भारतीय आदिवासी साहित्य सम्मेलन नागपुर में मुझे आदिम धर्म, अस्तित्व और आह्वाने विषय पर कहने के लिए आमंत्रित किया गया था। और उसी सम्मेलन में मुझे गोंड भाषा साहित्य के विद्वान, अन्वेषक और समाजसेवी सनहेर सिंह तारन जी के साथ परिचय हुआ और गोंडवाना क्षेत्र की प्रथम कवित्री एवं महिला साहित्यकार उषा जी से भी वहाँ परिचय हुआ। उस समय सनहेर सिंह तारन जी ने मुझे गोंड भाषा की कई प्रकाशित पुस्तकें उस समय मुझे भेंट की थी और वहाँ के सभ्यता संस्कृति के ऊपर में वो जो कार्य कर रहे थे, उनकी जो कार्य सीमा थी, उस विषय पर भी उन्होंने मुझे बहुत सारी जानकारी से अवगत कराए थे। सचमुच गोंडवाना भाषा, साहित्य और संस्कृति के लिए समाज में ताराम जी एक पायनियर का काम कर रहे थे और उनका समाज के प्रति जो योगदान है वो बहुत ही अप्रतिम है और सराहनीय है और हम और सदा हमारे बीच रहेंगे। गोंडवाना दर्शन में करीब पत्रिका को उसके संपादन उन्होंने करीब 30 से 35 साल तक करते आ रहे थे और पत्रिका के माध्यम से उन्होंने हमारे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जितने भी विभिन्न हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में जितने भी आदिवासी हैं उन सबको एक जोड़ने का काम कर रहे थे। उन्होंने एक पत्रिका के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार की थी और जो बहुत ही सराहनीय और बहुत ही प्रभावकारी था और आगे उषा जी ने भी इस कार्य को निरंतर रूप से आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इस पत्रिका के लिए लगी हुई है और उषा जी को मैं इस पत्रिका के लिए भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देती हूँ, क्योंकि अगर इसी तरह हम लोग इस कार्य को, जो तारम जी ने जो मार्ग दिखाए हैं उसी रास्ते को अगर अपनाएं तो हम सभी भाषा, साहित्य, संस्कृति के माध्यम से सभी क्षेत्र के जो हम आदिवासी हैं हम जोड़ पाएंगे, हम साझा कर पाएंगे, हमारे जितनी भी परेशानी है, हमारे जितने भी समस्याएं हैं उन सब से हम रूबरू हो पाएंगे, यही मेरी आशा है। और गोंडवाना दर्शन पत्रिका को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और विशेष रूप से मैं प्राय आदिवासी भाषाओं, उनकी जो उत्पत्ति, काल सीमा और विषयों को लेकर मैं खोजबीन करती रहती हूँ, ये मेरी आदत है। और इसी सिलसिले में अध्ययन के दौरान मैंने एक जगह मैंने पढ़ी थी कि 19 करोड़ साल पहले सभी द्वीप राष्ट्र एक थे और चारों ओर समुद्र ही समुद्र था। यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। धरती का सिर्फ एक टुकड़ा ही समुद्र से उभरा हुआ था
और इकट्ठे द्वीप के चारों तरफ समुद्र था और इसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया था एंजिया। और प्रारंभिक मानव, हम देखते हैं कि प्रारंभिक मानव पहले एक ही स्थान पर रहता था और वहीं से वह संपूर्ण विश्व में समय काल अनुसार फैल गया। तो यह इसीलिए मैंने कहा है कि हम चाहे जहां भी हो, जहां भी हम रह रहे हैं, हमारा भौगोलिक वातावरण अलग हो, भिन्न हो, भाषा अलग हो, लेकिन हमारा जो उत्स है वो उत्स एक ही, हम लोग एक ही जगह से आए हुए हैं। और इस तरह वैज्ञानिक अध्ययनों से वेद शास्त्र, शिलालेखों, जीवाश्मों की श्रुतियों, श्रुति परंपरा, उसके बाद पृथ्वी के जितने भी संरचनात्मक विज्ञान है, अगर जेनेटिक अध्ययन, डीएनए संबंधी आदि के अध्ययन के माध्यम से के आधार पर यह तथ्य सामने आता है, एक तथ्य सामने आता है। मैंने इन अध्ययनों के दौरान ही मैंने एक तथ्य मुझे सामने आया, वो है कि धरती पर सर्वप्रथम प्रथम जीव उत्पत्ति इस गोंडवाना लैंड से ही हुआ था, और जिसे तब पेंजिया के नाम से जाना जाता था। और ये जो पेंजिया जो है, ये गोंडवाना और लारेशिया दोनों को मिलाकर बना था। तो ये एक तथ्य है कि गोंडवाना लैंड में प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी। दूसरी खास बात है कि जीवन का जो विकास है, जीवन का सर्वप्रथम विकास भारतीय दक्षिण प्रायद्वीप में नर्मदा नदी के तट पर ही हुआ था, और जो नवीनतम शोधानुसार विश्व की सर्वप्रथम नदी मानी गई है। और यह हम जानते हैं कि, और यह भी पता चला कि यहीं पर बहुत बड़ी मात्रा में डायनासोर के अंडे, जीवाश्म आदि प्राप्त हुए हैं। और भारत के सबसे जो पुरानी आदिवासी गोंडवाना प्रदेश के जो गोंड जाति है, यह भी बहुत पुरातन आदिवासी के नाम के प्रमाणित अध्ययन के द्वारा प्रमाणित हुआ है। और हम इसके और एक लेख हमकारको समाज की जो प्राचीन कथा है उसमें भी यह उल्लेखित है कि आदिवासी बहुत पुरातन आदिवासी है, ये जो गोंडवाना प्रदेश है ये उन लोगों का ये बहुत ही पुराना ये भूमि है। इस तरह अगर गोंडवाना इतिहास को देखें तो 1400 वर्ष पुराना ये एक बहुत ही समृद्धशाली साम्राज्य के रूप में यहाँ स्थापित था। और महारानी दुर्गावती की जो वीरता की जो कहानी है, वीरता की जो कथा है, वो हम सब ही जानते हैं, अवगत हैं। और मातृशक्ति का उत्तम उदाहरण के रूप में भी हम देखते हैं। और उस समय में महाराणा संग्राम सिंह दलपत शाह ने जिस पराक्रम को कायम रखा था, उनके देहांत के बाद 15 वर्ष तक देखते हैं महारानी दुर्गावती ने भी उस गोंडवाना की कीर्ति को कायम रखा। और इस तरह उन्होंने अपने जीवन काल में मुगल, तुर्क, आर्य, काबुल के योद्धाओं के साथ उन्होंने अपनी युद्ध कर अपने पराक्रम को उन्होंने साबित किया था। और जो इतिहास प्रसिद्ध जो युद्ध है, नरई नाला युद्ध, वो भी हम जानते हैं कि वो बहुत ही इतिहास प्रसिद्ध युद्ध था, जिसमें उन्होंने अपनी विरंगति को दिखाया था और अपने आत्मा उत्सर्ग कर अपने देश के लिए, अपनी भूमि के लिए उन्होंने आत्मा उत्सर्ग किया था। इस तरह और एक खास बात गोंडवाना भूमि की और एक खास बात हम देखते हैं कि गरामंडला साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत प्रसिद्ध था। और अकबर के, यहाँ तक कि अकबर के जो दरबारी महापात्रा, उन्होंने भी यहाँ आकर रुक्मणी मंगलम जैसी रचनाएं की थी। और दुर्गावती के काल में साहित्य का महत्व बहुत बड़ा चढ़ा था, तो ये बहुत गर्व की बात है। और अन्य राज्यों से भी यहाँ की जो उस समय की जो वैभवता को देखकर अन्य राज्यों से बहुत बड़े वैज्ञानिक, बहुत विद्वान, कलाकार का इस गरामंडला में आना जाना था। और इस तरह हम देखते हैं कि महाराजा संग्राम सिंह भी बहुत ऊंचे दर्जे के,
बहुत ऊंचे दर्जे के साहित्यकार थे, कला प्रेमी थे और उनकी दो रचनाएं भी हम देखते हैं उल्लेखित है, एक है रागरंजनी और शायद एक पब्लिश्ड अज्ञात है, पब्लिश्ड नहीं है। और ये जो राग रंगिनी जो उनकी जो रचना है ये शायद नागपुर के संग्रहालय में अभी अभी है, नागपुर के संग्रहालय में उपलब्ध है। और एक चीज बहुत मुख्य बात है कि उस समय तीन भाषाओं को राज दर्जा प्राप्त था, एक बुंदेलखंडी, दूसरे पारसी और तीसरी गोंडी। इन तीनों भाषाओं की विद्वान महारानी दुर्गावती थी और ये हम लोगों को बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। ये हमें अभी भी हम अप्लाई कर सकते हैं कि हमें सिर्फ एक भाषा पर ही निर्भर नहीं रहनी है, हमें एक साथ दो तीन भाषाओं का ज्ञान बहुत आवश्यक है। और एक चीज मुख्य बात मैं करना चाहूंगी कि उस समय इतिहास में जो हम जब देखते हैं कि गोंड भाषा उस समय ये शायद इतिहासकारों की मिस इंटरप्रेट है या उस समय उन इतिहासकारों का कुचक्र है कि उन्होंने गोंड भाषा के जगह पर संस्कृत भाषा को उल्लेख किया है कि उस समय संस्कृत भाषा उस समय राज भाषा को राज दर्जा मिली हुई थी, जो अप्रमाणित है, जो प्रमाणित नहीं है। और अभी भी हम देखते हैं गढ़ा मंडला में वहाँ गोंडी जो जनभाषा वो थी और आज भी ये जनभाषा आज भी गोंडी प्रचलित है जो और बड़ी दुख की बात है कि अभी तक गोंड भाषा को संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। और मैंने देखा कि 38 जो भाषाएं संविधान के लिए मुद्दा उन लोग संविधान में अनुसूची में शामिल करने के लिए उन लोग मुद्दा लड़ रहे हैं, उनमें गोंडी भाषा भी है। और गोंडी भाषा को बहुत बहुत मैं गोंडी भाषा के लिए मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ क्योंकि बहुत जल्द संविधान में अंतर्भूत हो, क्योंकि यह भाषा बहुत ही मुख्य है और बहुत पुरातन है, तथ्यपूर्ण है और ये भाषा को होनी ही चाहिए। इतना कहते हुए मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। यह तो थी भारतवर्ष के पुरातन आदिवासी गोंडवाना प्रदेश का स्वर्णिम इतिहास जो तथ्यपूर्ण और प्रमाणिक है। आज ऐसी कई आदिवासी भाषाएं हैं जिनकी अपनी लिपि है, जिनकी अपनी तथ्यपूर्ण इतिहास है, जीवंत है, लिपि जीवंत है, फिर भी संविधान में अभी तक उनको मान्यता नहीं मिली है। तो इस तरह हमें आगे प्रचेष्टा करनी है भाषाओं को विकास की ओर ले जाने के लिए और भाषा को मान्यता दिलवाने के लिए। अब मैं आपके साथ लिंबू भाषा परिवार, लिंबू समाज, धर्म, संस्कृति को स्पष्ट रूप से आपके सामने रूबरू करना चाहती हूँ। आज मुझे इस विषय पर ही कहना है और विशेषकर मैं एक लिंबू समुदाय से ही हूँ और हमारे समाज की जो यथार्थता है, हमारे समाज का जो यथार्थ चित्र है, जिन जिन हमें किन किन चुनौतियों, हमें किन किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है और बाहर से हम हमारे समाज को हम दूसरे रूप से देखते हैं लेकिन अंदर हमारी जो पीड़ा है, हमारी जो समस्या है वो क्या है, उसे हमें अच्छी तरह से देखनी आपसे मैं रूबरू करना चाहूंगी और साझा करूंगी। और अगर आपको आप सबका कोई प्रश्न हो तो मैं देने को देने की कोशिश करूंगी और अगर बाद में भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो अंत में मैं कुछ इस लिंबू भाषा साहित्य संस्कृति के बाद में अंत में कुछ आप के साथ साझा करना चाहूंगी, वो कुछ आवश्यक कदम है जो हम सभी को मिलकर निर्णय लेनी है, अपने समाज की पहचान, अपने समाज की अधिकार और एकता बद्ध होकर हमें अग्रसर होने के लिए। तो आइए मैं आपके समक्ष लिंबू हमारे जो भाषा परिवार को अगर देखें तो लिंबू भाषा परिवार विश्व की प्राचीनतम जातियों में, विश्व की प्राचीनतम जातियों में क्रियांत लिंबू जाति की गणना आदिम जनजातियों के रूप में होती है। और ये जो तिब्बतीय बर्मी परिवार की पूर्वी शाखा के अंतर्गत बोडी उपशाखा की हिमालय वर्ग की पूर्व किराती भाषा
लिंबू है। और इस समूह की जो भाषाएं बोलने वाली किराती लिंबू भाषा के शब्द है, यह अभी विशेष रूप से मुंधुम में पाए जाते हैं। मुंधुम यह लिंबू जाति की धर्म पुस्तक है, इसमें धार्मिक उपदेश है और इसमें मुंधुम में सृष्टि की कथाएं, सृष्टि किस प्रकार हुई है, उसके बाद हमारे जो रीति नीति उनके कर्म कांड यहाँ पर वर्णित है। और इसके साथ साथ इसमें यशोकिनी महारानी की कथा है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें मुक्के गुब्बा राजा की कथा, माबोहांग राजा की कथा, उबाहांग, बेदोहांग आदि राजाओं की वीरता की कथाएं उल्लेख है इन मुंधुम में। और लिंबू की जो लिपि है, लिंबू की लिपि को श्रीजंगा लिपि कहते हैं, जो राजा श्रीजंगा के नाम पर रखा गया है। और इसके बाद हम आते हैं लिंबू भाषा का जो विकास है, लिंबू भाषा के अगर विकास को देखें, भाषा साहित्य के इतिहास को देखें, तो लिंबू साहित्य धारा का विकास हम 10वीं शताब्दी से देखते हैं। और इस 10वीं शताब्दी में पहली व्यक्ति राजा श्रीजंगा, उन्होंने लिंबू भाषा के विकास के लिए अपने उपदेशों का उन्हें पालन किया। उनके उपदेशों का पालन अभी भी लिंबू समाज में पालन किया जाता है। उन्होंने वर्णमाला का आविष्कार किया, इस तरह उन्होंने भाषा प्रचार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। उसके बाद हम देखते हैं योगजंगा, उनके श्रीजंगा के ही भाई योगजंगा, जिन्होंने भी इस भाषा विकास की जो प्रक्रिया को आगे बढ़ाते ले गया, उन्होंने भी भाषा के विकास में उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे एक भाषाविद थे और प्रचार प्रसार में उन्होंने बहुत ही सहयोग प्रदान किया समाज में। उसके बाद हम देखते हैं 18वीं शताब्दी में महान अवतारी पुरुष के रूप में तेंगसी श्रीजंगा थेबे, जिनका आविर्भाव हुआ था 18वीं शताब्दी में। और उन्होंने लिंबू भाषा के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने 1730 से 1741 तक उनका जो समय काल था, इस तरह हम देखते हैं कि 700 वर्ष तक उन्होंने अपने लिंबू भाषा के प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन को उत्सर्ग किया था। और उनके अरबी भाव में लिंबू साहित्य की धारा को नवजागरण काल के रूप में माना गया है। और अंत में हम देखते हैं कि उन्हें 1741 में लिंबू भाषा के विकास जब द्रुत गति से हो रहा था, उस समय पश्चिम सिक्किम के मार्तम में उन्हें सांगलामा द्वारा उन्हें पेड़ में बांधकर उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इस तरह हम देखते हैं कि भाषा के विकास के पथ पर उस समय भी बहुत सारी भाषिक चुनौतियां, बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी समस्या का उन महान महानुभावों ने सामना किया था। और आज भी हम कर रहे हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये हमारे पुरखों ने भी ये सामना, भाषा विकास को लेकर वे आगे बढ़ते आ रहे हैं, विभिन्न सामनाओं को, विभिन्न चुनौतियों को सामना करते हुए। उसके बाद हम देखते हैं लिंबू साहित्य, ये 18वीं शताब्दी के बाद उनकी हत्या होने के बाद 1.5 शताब्दी तक भाषा, लिंबू भाषा साहित्य का विकास स्थगित था। और 19वीं शताब्दी में हम देखते हैं उसके बाद लालसोर सेंदांग का पदार्पण हुआ और उनका भी योगदान भाषा साहित्य के विकास में बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने भाषा का प्रचार प्रसार बहुत ही अपने कोशिश के अनुसार, उन्होंने बहुत शिक्षा देने का कार्य किया। सिक्किम में कालिम्पोंग में उन्होंने शिक्षा केंद्र स्कूल खुलवाए, जहां पर उन्होंने लिंबू भाषा के प्रचार, लिंबू भाषा को पढ़ाने के कार्य को आरंभ किया था। जैसे सिक्किम के धरमदिन जो पश्चिम सिक्किम में है, और कालिम्पोंग के डुमरा बस्ती में उन्होंने लिंबू भाषा शिक्षा के लिए उन्होंने स्कूल खुलवाए थे। और इस तरह भाषा प्रचार में उनका जो योगदान है वो अप्रतिम है। और लेकिन उनका कोई लिखित दस्तावेज अभी भी उपलब्ध नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के जो मध्यकाल में है, एक मध्यकाल में हम देखते हैं कि एक ब्रिटिश व्यक्ति ने एक लिंबू इंग्लिश डिक्शनरी लिखी,
लेकिन वो डिक्शनरी को लेकर समाज में बहुत विवादास्पद था, इसीलिए वो समाज में उतनी प्रचलित नहीं हुई। उसके बाद हम आते हैं 1925 के बाद, इस धारा में इतिहासकार, भाषाविद इमाम सिंह चेमचोंग, सूबेदार बाजवीर थलंग का पदार्पण हुआ और लिंबू साहित्य जगत में उन्हें चमकते हुए तारे के रूप में उनका अभ्युदय को माना गया। इस तरह उनके ही काल में, 1925 उनके ही समय काल में, याक्तुम याक्तों निंगवा फुमा सामला लिंबू का प्रथम प्रकाशित पुस्तक है। इस तरह लिंबू साहित्य का लेख सृजंगाय मुन्धुम सापला साहित्य धीरे धीरे प्रकाशित होने लगा। 1955 में हम आते हैं, भाषाविद आर के स्प्रिंग ने भी भाषा प्रचार प्रसार में बहुत सहयोग प्रदान किया। उसके पश्चात महागुरु फाल्गुदानंद सत्यहांगमा द्वारा भाषा प्रचार प्रसार में उन्होंने बहुत सहयोग प्रदान किया। उसके बाद हम सबसे बड़ी बात इन दोनों में, उन्होंने समाज में व्याप्त जो कुसंस्कार को भी उन्होंने मिटाने का योगदान उन्होंने दिया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 1925 में हम देखते हैं ये बहुत लिंबू प्रथम भारत में लिंबू संस्था की स्थापना कालिम्पोंग में याक्थुम चुमलुंग के नाम से स्थापित हुआ था। और इस तरह हम देखते हैं कि भाषा का विकास धीरे धीरे प्रगति होते 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 आगे अभी भी हम साहित्य का विकास प्रगति होते ही आ रहा है। और जिनमें श्री पी एस मुरिंगला, बीबी मुरिंगला, तिल विक्रम नेम्बांग, उसके बाद हम देखते हैं काजीमान कंदंगवा, लक्ष्मण लावती, मोहन प्रसाद फुरंगे, वैरागी कायला, पदम सिंह मुरिंगला और जे आर सुब्बा, अभी के समकालीन में ए बी सुब्बा और बुद्ध सिंह लामदिंग, जिन्हों जो अभी भाषा के प्रचार प्रसार में अभी भी लगे हुए हैं समकालीन साहित्यकारों में। और ये जो हमारे जो इतिहास में, हमारे जो इस मुख्य धारा में जो साहित्यकार हैं, इन विभूतियों का जो योगदान है हमारे लिए एक मार्गदर्शक के रूप में है। अपने समयकालीन इन्होंने जितना संभव हो सका उन्होंने हमारे सुविधा के लिए एक पथ, एक रास्ता निकाल कर छोड़ दिया, और उन्हीं रास्ते, उनके दिखाए हुए रास्ते को ही हमें आगे उसी दिखाए रास्ते पर ही चलकर हमें आगे बढ़ना है। और उन्हें बिना कोई त्रुटि दिखाए हुए हमें भाषा विकास में लगे रहना है। तो इस तरह और एक विशेष इस साहित्य धारा में, और एक मैं बात कहना चाहूंगी कि इस साहित्य धारा में हमारी लिंबू महिला साहित्यकारों का भी अवदान बहुत महत्वपूर्ण है। जो जो अभी भी भाषिक चुनौतियों का सामना करते हुए भी समाज के भोगे हुए यथार्थ को अपनी रचनाओं के माध्यम से जितना संभव है वो अपनी रचनाओं के माध्यम से रचना अपने कर रही है, जिनमें मुख्य रूप से लीला तुम्बापो, बासंती पारंदेन, दिल माया पारंदेन, बीमित लुकसाम, विष्णु माया सिथलिंग, तो ये सब जो महिला साहित्यकार है, इन महिला साहित्यकारों का जो अवदान है इनको हम भूल नहीं सकते हैं, या इन इनको हम इस साहित्य धारा से हम अलग भी नहीं कर सकते हैं। जैसे और हम देखते हैं कि इन इन्होंने इनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन फिर भी उन चुनौतियों को झेलते हुए भी ये साहित्य की रचना क्रमशः करती ही आ रही है। अब हम देखते हैं कि लिंबू की जो धर्म एवं उनका जो दार्शनिक पक्ष है, उन दार्शनिक पक्षों को अगर हम देखें तो लिंबू शब्द की जो व्युत्पत्ति है भाषा के आधार पर तो संभव नहीं हो पाया, लेकिन हमारी जो भाषाविद इमाम सिंह चेमजोंग ने इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार की है। जैसे लिंबू जो शब्द है, ली आबू वन अर्थात धनु से जीता हुआ देश बताया है। तो इस तरह लिंबू शब्द की जो व्युत्पत्ति है उसको इस तरह से माना गया है। और लिंबू का अपना ही धर्म है, युमा साम्यो धर्म, और ये लिंबू समुदाय प्रकृति पूजक है, ये एकेश्वरवादी है, एक ही ईश्वर परमात्मा ईश्वर को पर आस्था रखने वाले, और जिन्हें देवी तांगेरा निंगमा फुमा कहते हैं, और उन्हें
हैं, युमा भी कह सकते, युमा भी कहते हैं हमें। और अन्य देवी देवताओं का सृजन भी युमा द्वारा ही हुआ है, और अन्य देवताओं को यहाँ पर लिंबू भाषा में मांग कहते हैं। और इनके जो आख्यानिक चरण है, माइथोलॉजिकल जो स्टेज है, बहुत ही उन्नत और विकसित है, और जीवोत्पत्ति पर विश्वास आस्था रखने वाले हैं, बायोजेनेसिस पर, और इनका दार्शनिक पक्ष भी बहुत परिपक्व और सुगठित है। तो इस तरह यह है लिंबू की धर्म और दार्शनिक पक्ष। अगर लिंबू क्षेत्र, किरात लिंबू क्षेत्र को देखें, तो क्योंकि ये जानना भी जरूरी है कि किरात लिंबू जो क्षेत्र है, देखा जाए तो तिस्ता नदी के पूर्वी भाग और कनकाई और फालुत श्रृंखलाएं और मेची नदी तक का भूभाग, जो वर्तमान में सिक्किम के पश्चिम दक्षिण भाग पड़ता है, और सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग कालिम्पोंग क्षेत्र का भूभाग, ये लिंबू क्षेत्र का सीमांकन किया गया है। और हमारे भारत से बाहर नेपाल में लिंबुवान जो क्षेत्र है, वो भी लिंबू क्षेत्र के रूप में ही है, लिंबू क्षेत्र है, और इसका सीमांकन तिस्ता नदी के पूर्वी सीमा, पश्चिम में अरुण नदी तक, जो पल्लू किरात के रूप में माना जाता है। तो ये हुआ लिंबू क्षेत्र। और लिंबू जनसंख्या की बात करें, मैं हमारे जो पश्चिम बंगाल राज्य है, पश्चिम बंगाल राज्य की जनसंख्या की ही बात करूंगी, और हमारे इस राज्य में करीब 38 प्रकार के आदिवासी यहाँ के निवासी हैं, जो जनगणना के अनुसार पूरे जनसंख्या के 2-3% ही आदिवासी है। और अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे कई आदिवासी हैं जिन्हें भाषा मान्यता नहीं मिली है, कई ऐसी है जिन्हें एज अ ट्राइब के रूप में जनगणना में अंतर्भूत नहीं किया गया है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो अंतर्भूत नहीं हुए हैं। तो इस तरह बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी समाज में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो यथार्थ चित्र है। और लिंबू समाज की साक्षरता की बात करें, तो इस क्षेत्र में सेंसस को अगर देखें, तो पॉपुलेशन एंड प्रोपोर्शन ऑफ ट्राइब्स पीपल्स के अनुसार, उसमें सिर्फ हमारे क्षेत्र में दार्जिलिंग कालिम्पोंग की विशेष मैं बात कर रही हूँ। मैंने 2001 के साल के सेंसस को देखा था, अकॉर्डिंग टू 2001 साल के जो सेंसस है, उसमें दिखाया गया है कि जितने भी वेस्ट बंगाल के जितने भी ट्राइब में ओनली मेजर ट्राइब पॉपुलेशन को ही सेंसस में डाला गया है। और अगर देखा जाए तो हमारे इस कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, कर्शियांग, जितने भी क्षेत्र है दार्जिलिंग, ये इस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे आदिवासी हैं, मेजर है, माइनर है। तो उस सेंसस में, 2001 के सेंसस में मैंने देखा कि ओनली भुटिया ट्राइब्स को ही वहां पर अंतर्भूत किया गया है, बाकी उसमें नहीं है। तो प्रश्न यह उठता है कि क्या सिर्फ मेजर ट्राइब्स को ही अंतर्भूत सेंसस में अंतर्भूत किया जाएगा, या जो माइनर ट्राइब है उनका क्या होगा? तो ये समाज में अभी भी ये यथार्थ रूप, ये भी अभी भी ये समाज में है। तो इस तरह की जो राजनीतिकरण है, जिससे समाज में इससे क्या होता है, ये राजनीतिकरण के कारण क्या होता है, समाज में ठीक से बैलेंस नहीं हो पा रहा है, विषमताएं समाज में दिखती है, किसी को सहूलियत, सरकारी सहूलियत मिल रही है, किसी को सरकारी सहूलियत नहीं मिल रही है, तो कोई वंचित है। तो इस तरह से जो जो एक बैलेंस होनी चाहिए समाज में, वो नहीं हो पा रही है। और इसके लिए मैं सिर्फ सरकार को दोष नहीं दूंगी, हमारे जो आदिवासी भाई बहनों को भी आगे बढ़नी है, आवाज उठानी है, देखनी है हमें अंतर्भूत किया हुआ है या नहीं, हमें भी वो चेतना होनी है। तो इस तरह आदिवासी अगर साक्षरता की दृष्टि से देखें, तो लिंबू जो आदिवासी महिलाएं जो रूरल एरिया में रहती है, ऐसी कई महिलाएं हैं जो खेतीपाती के ऊपर में ही निर्भर है, और जिनकी संख्या बहुत है। और अर्बन एरिया में अगर देखें तो बहुत शिक्षित शिक्षित होकर महिलाएं, पुरुष, सिर्फ महिलाएं नहीं, पुरुष भी सरकारी नौकरी जैसे ऑफिस, बैंक, कॉलेज, प्रोफेसर है कोई, तो इस तरह से कार्यरत है। पर जनसंख्या के आधार पर देखें तो इनका जो दर है, इनका जो परसेंटेज है, बहुत ही कम है। तो समाज में महिलाओं की संख्या अभी भी साक्षरता की दर से कम है।
इस तरह हमारे जो लिंबू समाज में महिलाओं की जो स्थिति है, हम अगर देखें तो आदिवासी मूलतः मातृसत्तात्मक महत्व देने के मातृसत्तात्मक व्यवस्था पर आधारित सामाजिक व्यवस्था पर विश्वास करते हैं, और लिंबू समाज में उनका युमा धर्म भी हम देखते हैं, तांगिरा निगमा फुमा पर ही आस्था रखने वाले हैं जो देवी हैं। और इस तरह समाज में मातृ सत्ता जो सत्तात्मक जो व्यवस्था है उसको ही हम लिंबू समुदाय लोग महत्व देते हैं। लेकिन अगर देखें हमारे भारत में तो पितृ सत्तात्मक को महत्व देने के कारण सभी क्षेत्र में, चाहे वो शैक्षिक संस्था हो, कार्यालय हो, नागरिक परिचय पत्र हो, राशन कार्ड हो, सभी में पिता का नाम पहले आता है। अतः कानून के नियमानुसार हमें पितृ सत्तात्मक के डोर को ही पकड़कर चलना पड़ता है, और यह प्रशासनिक नियम को हम तोड़ भी नहीं सकते हैं। और अगर पर हमारे जो लिंबू समुदाय है, हमारे लिंबू समुदाय में देखा जाए तो महिला को बहुत ही आदर और प्रतिष्ठा के साथ परिवार में उन्हें इज्जत देते हैं, अर्थात मातृ सत्तात्मकता को महत्व देते हैं। कैसे? जैसे जमीन जायदाद के में बराबर हिस्सा, चाहे वो लड़की चाहे वो बेटी विवाहित हो या अविवाहित हो, उन्हें बराबर हिस्सा में दिया जाता है। अविवाहित बेटी को भी घर पर मर्यादित इज्जत देते हैं, समाज में भी इज्जत के साथ सम्मान करते हैं। विवाह के समय में भी हम देखते हैं कि लड़की पहले नहीं जाती है, लड़के आते हैं लड़की को मांगने के लिए, वो भी लड़की के भेंट स्वरूप सभी कुछ लेते हुए। और हम देखते हैं कि अगर बेटी समाज में बेटी घर में बेटी है, बहू है, तो उसमें भी हम देखते हैं कोई अंतर नहीं रखा जाता है। बेटी जैसे घर पर स्वाधीन रहती है, स्वतंत्र रहती है, उसके पहनावा को लेकर, खाना को लेकर, उनके रहन सहन को लेकर उसमें कोई हम अंतर नहीं दे, बेटी जैसे रहती है बहू भी उसी तरह, तो इस तरह कोई हमारे लिंबू समुदाय में अंतर नहीं है। तो यह एक मातृ सत्तात्मक व्यवस्था की ही ये प्रभाव है, और इक्वालिटी जेंडर हमारे समाज में पूर्ण रूप से है। तो इस तरह हम देखते हैं कि समाज की जो हमारी जो लिंबू समाज की जो व्यवस्था है इस तरह है, और इस तरह की व्यवस्थाओं में रहकर मैं भी अपने आप को बहुत गर्व महसूस करती हूँ, क्योंकि बाहर की दुनिया में मैं देखती हूँ बाहर की बहुत सारी ऐसी समाज व्यवस्था है जहाँ बहुत सारी अत्याचार, डोमेस्टिक वायलेंस देखते हैं, इक्वालिटी जेंडर की समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। उसके बाद हम आते हैं कि सामाजिक लिंबू सामाजिक अवस्था और रहन सहन। हम किसी भी कोने की आदिवासी क्यों ना हो, हमारा जो आचार व्यवहार, रहन सहन, खान पान पद्धति एक है। हमारे समाज में आदिवासी बहुत ही सीधे सरल, छल कपट से दूर रहते हैं। अगर देखा जाए तो लिंबू में और स्त्री हो या पुरुष, उसमें जो एक गुस्सा होने की जो प्रवृत्ति है ये बहुत ही लोक प्रसिद्ध है, क्योंकि तो ये समाज ये एक वह है, और इसको लोक प्रसिद्ध भी लोक मान्य भी कहते हैं कि लिंबू जाति में स्त्री पुरुष लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, तो कठोर परिश्रम करते हैं, शारीरिक परिश्रम ज्यादा, आर्थिक संपन्न न होने कारण सभी आधुनिक सुविधाओं से वंचित रहते हैं। आज गांव क्षेत्र में भी आज बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो इस तरह समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो बहुत सारे प्रावधानों से सुविधाओं से वंचित है। और हमारे समाज में, लिंबू समाज में और एक चीज है जैसे जाड़ है, रक्सी है, ये कोदो के अनाज से बनाए जाते हैं, नशीले पदार्थ है। सेवन ज्यादा करने के कारण आर्थिक अवस्था ही नहीं, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक व्यवस्था भी बिगड़ते जाता है। अतः वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है, जरूरी है। व्यापार जगत में भी हम आदिवासी, लिंबू आदिवासी पिछड़े होते हैं। हमारी संस्कृति में नशीले सेवन का जो चलन है उसमें भी सुधार लाने की आवश्यकता है, जिसे आज समाज पर या युवा पीढ़ी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आज हम खेती पाती पर ध्यान नहीं देते हैं, और यही खेती पाती जो हमारी पुरखा से हम लोग करते आ रहे हैं, ये हमारी सभ्यता है,
इस पर भी हमें थोड़ा सा ध्यान देनी है, हमारे पीढ़ी में युवाओं को शिक्षित करनी है और सभी क्षेत्रों में उन्हें अग्रसर होने के लिए हमें प्रोत्साहन करनी है। तो लीला थुम्बा वो कवित्री लिंबू साहित्य की कवित्री है जिन्होंने उनके कविता में सामहा कुलुंग कविता में उन्होंने इस समाज की इस परिस्थिति को उन्होंने दर्शाया है। और उनकी जो कविता है सामहा कुलुंग, इनका अर्थ है जैसा भी हो, तो मैं इस कविता को आपको पढ़कर सुनाती हूँ। नयन के अंदर अश्रुधारा को सुखा कर जैसे भी हो, बाहर तुम हंस दो, विषपान नशीले पदार्थ त्याग अमृत पीकर जियो, इस विशाल रंगमंच में खेलते हुए आनंद करो, जीवन अमूल्य है कल के लिए भी जी लो, असंभव यहाँ कुछ भी नहीं, जीर्ण शरीर होने तक श्रम और अभ्यास छोड़ना नहीं, क्यों थकान महसूस करते हो, आज तक बचे हुए हो फिर भी जीवन की रक्षा करो। तो ये कविता सामहा कुलुंग कविता, ये लिंबू प्रगतिवादी कविता में एक है। इस कविता में कवि ने बहुत सुंदर ढंग से जीवन की जो सच्चाई है उस पर अपनी भावनाओं को उन्होंने व्यक्त किया है, जीवन के यथार्थ चित्रों को उन्होंने यहाँ पर वर्णित कर दिखाया है। आज के जो युवा वर्ग है, जो बेरोजगार है, जो हताश होकर नशीले पदार्थ का जो सेवन कर रहे हैं, उन युवा वर्गों को प्रेरणा के लिए भी ये कविता लिखी गई है। और हम जो हमारे समाज में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का रूबरू हमें प्रोत्साहन देने के लिए, हमें श्रम करने के लिए, हमें परिश्रम करने की यहाँ बात कही गई है। और हमें अपने जीवन में जितना भी दुख हो हमें हंसकर उसे जीने के अभ्यास करनी है। तो इस तरह हमारे जीवन में लिंबू समाज व्यवस्था में अगर देखें तो लिंबू लोकोक्ति जिन्हें मुखपान भी कहते हैं, ये लोकोक्ति भी हमारे समाज के लिए बहुत ही उपदेशात्मक परामर्श के रूप में हम लेते हैं। जैसे एक लिंबू में एक लोकोक्ति मैं आपको आपके सामने मैं पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। जैसे एक लोकोक्ति है, हांग निंगबारे हांग अबोंग योग निंगबारे योग अबोंग, अर्थात बड़ा मन वाला राजा बनता है और छोटा तुच्छ मन वाला दास कमारा बनता है। तो इस लोकोक्ति में यह कहा गया है कि जिस व्यक्ति का मन बड़ा छल कपट रहित धार्मिक मनोवृत्ति का होता है वह एक दिन राजा बनता था। राजा के समान उसे जीवन में किसी चीज का अभाव नहीं होता है और राजा के समान ही वह समाज में सिर उचाकर स्वाभिमान के साथ जीवन निर्वाह करता है। और जो तुच्छ व्यक्ति होते हैं जिनका मन छोटा होता है वह अंत में झूठा व्यक्तित्व होने के कारण समाज के सामने नौकर कमारा के रूप में जीना पड़ता है। तो यह हमारे लिंबू समाज में ये जो लोकोक्तियां हैं यह दैनिक और रोजमर्रा के जीवन में नित्य प्रति प्रयोग में आने वाली चीज है। तो ये लोकोक्ति के माध्यम से भी हम अपनी सभ्यता संस्कृति को अवश्य झलकते हुए हम देखते हैं। और लोकोक्ति समाज में क्यों मुख्य है, क्योंकि ये परामर्श देती है हमारे समाज के लोगों को और पथ प्रदर्शन करती है अवसर अनुसार, ये हमारे समाज ये स्वतः ही फूट पड़ता है। और हमारे अनुभवी जितने भी वृद्ध लोग हैं सदस्य के पास ये लोकोक्ति भंडार सुरक्षित रहती है। और लोकोक्ति जीवन में भूखे हुए जो यथार्थ है उसी को ही व्यंजित करती है। तो लोकोक्ति का भी हमारे समाज में बहुत बड़ा योगदान है। तो अगर हम इसके बाद अगर हम लिंबू जाति का जो चार पर्व है, अगर चार पर्व के महत्व को भी देखें तो हम देखते हैं कि चार पर्व की जो समाज की जो व्यवस्थित रूप है, समाज की जो व्यवस्थित की गई व्यवस्था है और प्रकृति, हम लिंबू प्रकृति पुजारी है, युमा धर्म को मानने वाले हैं, लिंबुआ जाति में जो फिदांगमा सांबा ये मा पुजारी जन्म से लेकर मृत्यु तक कर्मकांड करते हैं जिसे हम थुतुरी वेद भी कहते हैं। तो इस तरह लिंबू में बहुत सारे चार पर्व हैं, जैसे चासों खिसों नवांगी कहते हैं, सिसेक पा तुमेन काकफेकवा लांगेंग बलिहांग तांगनाम थेंगसिस रजंगा सावन तांग नाम इमान सिंह चेमजोंग जन्म जयंती। तो इस तरह विभिन्न चार पर्व है, चार पर्व को हम मनाते आ रहे हैं। और ये जो नवांगी जो हम कहना एक
ये चार पर्व के विषय में मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो नवांगी पर्व है, खेत के फसल काटने पर मनाया जाता है और उस समय जार बनाकर हम फेदांगमा द्वारा युमा साम्य को चढ़ाकर इस पर्व का पालन करते हैं। उसके बाद तुम्योन श्रावण संक्रांति, जब फसल काटने के बाद युमा को पूजा करके हम इस पर्व का पालन करते हैं। तो इस तरह चार पर्व का भी हमारे समाज में बहुत महत्वपूर्ण है। लिंबू संस्कृति में लिंबू लोकगीत, लोक नृत्य, लिंबू वाद्य सामग्री, ये सब एक माध्यम है संस्कृति के अंदर छिपे हुए सुख दुख हर्षोल्लास शोक आदि अपने अनुभवों को अव्यक्त करने का एकमात्र साधन है। तो लोकगीत कहने से लिंबू में पालम गीत है, हर पारे सामलो है, ख्याली सामलो है, तुम ह्यांग सामलो है, लोई सामलो है, उल्लो सामलो है। तो ये पालम जो गीत है ये धान नाच है जिसमें हमारे समाज में धान रोपण के समय में युवा युवतियां मिलकर हाथ पकड़ कर ये धान नाच करते हैं। धान काटने के समय भी चिसाकलाक सामलो है, चिराकलाक सामलो है, जो धान काटते वक्त लिंबू समाज के जितने भी युवक युवतियां हैं वो सब मिलकर ये संस्कृति ये लोकगीत गाते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो अब हमने अभी लिंबू भाषा साहित्य विचारधारा दार्शनिक पक्ष धर्म लोक पर्व लोक संस्कृति के महत्व को हमने देखा। तो हम देखते हैं कि हम आदिवासियों की यही जो एक जो मौखिक साहित्य है, जो परंपरा संस्कृति है, जहाँ से ये जो समाज की जो यथार्थ चित्र है वो सब कुछ झलकता हुआ दिखाई देता है। और हम सबको मिलकर ये जितनी भी हमारी मौखिक परंपरा है, मौखिक संस्कृति है, उसे हमें संग्रहित कर सुरक्षित कर रखना हमारा कर्तव्य है। तो आइए हम अब निष्कर्ष के रूप में मैं आप सबके समक्ष कुछ आवश्यक कदम है जो इस प्रकार है। ऐतिहासिक दृष्टि के आधार पर अगर हम देखें जो पहला आवश्यक कदम जो है ऐतिहासिक दृष्टि के आधार पर, सभी आदिवासी भाषाओं को जो 8वीं अनुसूची में अंतर्भूत करने की हमें प्रचेष्टा करनी है, चाहे वो माइनर लैंग्वेज हो या मेजर लैंग्वेज हो। हम देखते आ रहे हैं कि आज जिन भाषाओं को मान्यता मिली है, भाषाओं के लिए जिनको मिली है हम खुश हैं, पर जिन भाषाओं को नहीं मिली है उन भाषाओं के लिए भी हमें प्रचेष्टा करनी है ताकि उन्हें भी जो सरकारी प्रावधान है उनसे वो वंचित ना हो। तभी हम सभी आदिवासी भाषा के प्रति हम न्याय कर पाएंगे। और भाषा का विकास हम देखते हैं कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास द्वारा ही प्रभावित होता है। और 8वीं अनुसूची में हमने देखा 22 भाषाएं शामिल है और 38 भाषाओं ने अभी तक मुद्दा उठाया है लेकिन शामिल नहीं हो पाया है, लेकिन प्रचेष्टा है। और इसके बाद दूसरी जो आवश्यक कदम है वो है कि सभी राज्यों में, चाहे वो अल्पसंख्यक आदिवासी क्षेत्र हो या बहुसंख्यक आदिवासी क्षेत्र, बहुल अन्य प्रत्येक राज्यों के छोटे छोटे बहुल क्षेत्रों में भी सभी स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालयों में भाषा चुनने का प्रावधान होनी चाहिए। इस तरह सभी शिक्षण केंद्र में भाषा के प्रावधान होगी, तभी तो शिक्षक भी अपने आप जनरेट होने लगेगा और बच्चे भी भाषा के प्रति रुचि दिखाएंगे। इस तरह भाषा का विकास होते जाएगा। यह संविधान के अनुच्छेद 350 में प्रावधान है, क्योंकि छोटे छोटे राज्यों में भी मातृभाषा के प्रावधान को 350 अनुच्छेद में दिखाया गया है। और अगर तीसरा जो आवश्यक कदम है, हमारा अपना राष्ट्रीय स्तर का अनुवाद समिति गठन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अपनी भाषा को विस्तार देने के लिए अनुवाद एकदम आवश्यक है, तभी हमारी भाषा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच पाएगी। हमारे साहित्य को भी एक बाजार मिलेगा। हमारी भाषा साहित्य को सिर्फ संग्रहालय में न रखकर उन्हें उन्मुख करना होगा, विश्व बाजार में बाजारों में विश्व पुस्तक बाजारों में उन्हें स्थान मिलना होगा।
उसके बाद अन्य आवश्यक कदम है अपना एक प्रकाशन समिति की गठन होनी चाहिए। यह सिर्फ एक राज्य या क्षेत्रों के सीमित समिति द्वारा संभव नहीं बल्कि मिलकर प्रकाशन समिति गठन की योजना करनी है और देश विदेश के सभी आदिवासियों के एक छतरी के नीचे अम्ब्रेला के नीचे चलनी है। इसका एक ही माध्यम है, वह है भाषा साहित्य संस्कृति से जुड़ना। नेक्स्ट जो आवश्यक कदम है, अपनी भाषा साहित्य को आधुनिक तकनीकी प्रयोग के माध्यम से उन्नत, सरल और समृद्ध करनी है। जैसे आज हम तकनीकी की सुविधाओं के कारण ही आज हम विभिन्न क्षेत्रों के आदिवासी भाई बहनों के साथ हम जुड़ पा रहे हैं, अपनी साहित्य संस्कृति को साझा कर पा रहे हैं, तो यह भी एक तकनीकी का प्रयोग है जिससे हमारी भाषा साहित्य संस्कृति को समृद्धि मिल रही है। आज हम अपने आप को संकुचित और पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं, क्यों? इसे समझने की हमें कोशिश करनी है। आज हमें दो या दो से अधिक भाषाओं की जानकारी अति आवश्यक है, क्योंकि हमने गोंडवाना इतिहास को भी देखा कि महारानी दुर्गावती भी दो तीन भाषाओं की विद्वान थी। इस तरह अगर हमें समाज में प्रतिष्ठित होनी है तो हमें दो तीन भाषा की जानकारी होना अति आवश्यक है। अधिक से अधिक परिवार में महिलाओं को उच्च से उच्चतर शिक्षा हासिल करनी है, अर्थात शिक्षित होनी है, तभी परिवार और समाज शिक्षित होगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर और होना बहुत जरूरी है, तभी आत्मविश्वास भी बढ़े। आज हम अपने आप को संकुचित और पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं, क्यों? उसे समझने की कोशिश करनी है। तो समाज के से जो अनावश्यक रूढ़िवादी संस्कार है उसको हटाना होगा, जिनका समाज पर अभी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हमें पॉजिटिव जो है सोच को हमें महत्व देते हुए, जो नेगेटिव जो है हमारे समाज में, जो हमारे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, उसको, उस रूढ़िवादी संस्कार को हमें हटाना है और अन्याय के खिलाफ हमें प्रतिवाद करनी है, क्योंकि हमें अब चुप रहने से हमें हमारे भाषा विकास, हमारे समाज, हमारे पहचान, हमारे अस्तित्व पर बाधा पड़ेगी। इसीलिए हमें अन्याय का खिलाफ प्रतिवाद करनी है। आपस अपनी भाषा के साथ साथ अन्य भाषा साहित्य की जानकारी, ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अपनी भाषा संस्कृति को हमें हेय नहीं करनी है, वरन महत्व देते हुए उसे एक्सपोज करनी है। अपनी हम उसे अपनी योग्यता के अनुसार, अपने क्षेत्र के अनुसार हम अपनी भाषा साहित्य संस्कृति को हम एक्सपोज कर सकते हैं। अन्य आवश्यक कदम यह है कि आज हम अपने मूल भाषा के जितने भी विद्वान हैं, बुजुर्ग हैं, साहित्यकार हैं, भाषा के ज्ञाता के प्रति गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि वे ही हमारे लिए आज इंसाइक्लोपीडिया कोश है, हमारे धरोहर है, क्योंकि हमारे पास पहले कोई साहित्य नहीं थी, हमारे पास कोई रचनाएं नहीं थी। हम मौखिक साहित्य के माध्यम से हमारा जो मौलिक इतिहास है वो मौखिक साहित्य पर ही आधारित है। तो इसीलिए इन सब चीजों को, उनके सभी मौखिक ज्ञान को हमें डॉक्यूमेंटेशन करके हो या उसके ज्ञान को अर्जित करके हो, सुरक्षित कर, संग्रहित कर रखनी है। वही हमारे लिए एक मौलिक इतिहास होगा। हमारे मूल भाषा के जो साहित्यकार जन हैं, उनको मैं आग्रह करना चाहती हूँ इस मंच के द्वारा कि अगर वे अपने मूल भाषा के साथ साथ दूसरे संपर्क भाषा में अपनी रचना का अनुवाद कर दे तो उस रचना में मौलिकता होगी और स्तरीय होगा, क्योंकि बहुत सारे मिस इंटरप्रेट होता है। तो अगर जो मूल भाषा के जो साहित्यकार है अगर वही संपर्क भाषा में करके बाद किसी से एडिटिंग करके या करके अगर अपनी अपनी मौलिक मूल भाषा को अगर वे ही अनुवाद करे तो मुझे लगता है कि उसमें मौलिकता ज्यादा होगी। आज हमारे आदिवासियों की अपनी अपनी भाषा बोलियां हैं और अगर हमें एक दूसरे से जुड़नी है तो संपर्क भाषा ही एक माध्यम है। जैसे आज हम लाइव में, हमारी सबकी अपनी अपनी भाषा है। मेरी लिम्बू भाषा है, आपकी हो सकती है आपकी खड़िया हो, आपकी गोंड हो, आपकी संथाली हो। तो आज हम
एक संपर्क भाषा के माध्यम से इस मंच से जुड़ रहे हैं, जैसे हिंदी के माध्यम से हम इस मंच से जुड़ रहे हैं। तो हमें संपर्क भाषा ही एक माध्यम है, तो इसीलिए एक दो भाषा की जानकारी आज बहुत आवश्यक हो गया है। अन्य आवश्यक कदम हम देखते हैं कि हमारे जितने भी ऐतिहासिक तथ्यों को हम अब साहित्य के माध्यम से शोधपरक लेख प्रकाश में लानी है। जितने भी शोधपरक लेख है के माध्यम से हमें उन ऐतिहासिक तथ्यों को हमें प्रकाश में लानी है। हमारी जितनी भी लोक कथाएं हैं, लोक नृत्य है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, वाद्य यंत्र है, जितनी भी कलाकृतियां हैं, पेंटिंग, हमारी पेंटिंग भी बहुत मुख्य है, पेंटिंग भी बहुत महत्व रखते हैं हमारे समाज में। पेंटिंग के माध्यम से भी हम अपनी सभ्यता संस्कृति को की वो पहचान दिला सकते हैं, आदि आदि सभी जितने भी माध्यम है, इन माध्यमों के माध्यम से हम शोध परक कार्य भी कर सकते हैं। और साहित्य के माध्यम से ही हम समाज के जो हमारे जो समाज के जो यथार्थ है, हमारी जो समस्याएं हैं, उनको हम यथार्थ रूप से दिखा सकते हैं। इसलिए जितना हो सके साहित्य की रचना बहुत आवश्यक है, यही हमारे लिए भविष्य में एक डॉक्यूमेंटेशन होगा। जिन भाषा के और एक समस्या है, जिन भाषा की लिपि नहीं है, सिर्फ बोली है, हम उन भाषा को भी अगर हम डॉक्यूमेंटेशन करके या संग्रहित करके रखना चाहें तो उन्हें भी हम किसी लिपि के सहारा लेकर हम उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। तो सभी और सबसे मुख्य बात यह है कि जितनी भी आदिवासी भाषाएं हैं उनका शब्दकोश होना है, जैसे गोंडी हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश, खड़िया हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश, संताली हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश। तो शब्दकोश अति आवश्यक है और हमें सभी को मिलकर इन सब चीजों पर मनन करनी है, हमें ध्यान देनी है और हम सबको मिलकर एक दृष्ट होकर, एकताबद्ध होकर हमें हमारी जितनी भी समस्याएं, हमारे हम जितनी भी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, भाषा हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, सभी को एक प्लेटफॉर्म में आके हमें एकताबद्ध होकर हमें आगे बढ़नी है, हमें अग्रसर होनी है। तो आज मैंने आप सबसे मुझे साझा करने का एक सुअवसर मिला, इसके लिए मैं गोंडवाना दर्शन परिवार को के प्रति बहुत आभारी हूँ और मैं अपने समाज संस्कृति को भी आपसे आपके समक्ष रूबरू कर पाया और मैंने कुछ आवश्यक कदम भी आपके सामने रखा, जिसके माध्यम से मुझे आशा है कि हम मिलकर हमारे समाज में, हमारे भाषा में, जितनी भी हमारे भाषा में जितनी भी समस्याएं हैं, हम मिलकर क्यों ना उसे सुलझाएं। तो आज मैं सभी आभार प्रकट करती हूँ आप सब जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं।